दोस्तों अक्टूबर और नवंबर का महीना फेस्टिव सीजन में काउंट होता है, यानी कि ज्यादा गाड़ियां बिकेंगी ये सब लोग मान के चलते हैं। नवंबर के महीने में टोटल सेल हुई है टॉप 10 बाइक्स की 7,56,688, यानी कि टॉप 10 बाइक्स की जो ये यूनिट्स हैं 7,56,688 टॉप 10 बाइक्स बिकी है। ये सेल काफी मायने रखती है। बात कर रहे हैं इस वीडियो में हम टॉप 10 बेस्ट सेलिंग टू व्हीलर्स के बारे में, जो नवंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा बिके हैं। इस वीडियो में हमने स्कूटर और बाइक्स दोनों को शामिल किया है एक साथ। नेक्स्ट में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हम इसकी सेपरेट वीडियो लेकर के आए या नहीं। शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की ओके बाइक 24/7 यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली टू व्हीलर से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। 10th पोजीशन पर TVS अपाचे सीरीज। इस सीरीज में आने वाली सभी बाइक्स की कंबाइंड यूनिट 28,608 बिकी हैं, यानी कि 28,608 अपाचे बाइक्स बिकी हैं नवंबर के महीने में पूरे भारत में। एक यूनिट का मतलब एक बाइक ही होता है। वहीं अक्टूबर में 39,799 बिकी थी। देख सकते हैं कितना तगड़ा डिफरेंस है। एक तरफ 39,799 गाड़ियां, वहीं दूसरी तरफ 28,608 गाड़ियां। TVS अपाचे सीरीज में आने वाली सभी बाइक्स की एक्शोरूम प्राइजेस अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 9th पोजीशन पर है सुजुकी एक्सेस। सुजुकी एक्सेस में अभी हाल ही में कुछ अपडेट करके इसको लॉन्च किया गया है। नवंबर में इसकी 42,481 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं अक्टूबर में 46,450 यूनिट बिकी थी सुजुकी एक्सेस 125 की। इसकी एक्शोरूम प्राइस 74,400 रुपये से शुरू होती है और 83,600 रुपये तक जाती है। 8th पोजीशन पर है TVS XL 100, ये एक मोपेड है। नवंबर में इसकी 42,558 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं अक्टूबर में इसकी 55,356 यूनिट्स बिकी थी। 55,000 से सीधे 42,000 में पहुंच रही है TVS XL 100। ये एक मोपेड सेक्शन में आने वाली बाइक है, जिसकी एक्शोरूम प्राइस 41,015 रुपये से शुरू होकर के 52,334 रुपये तक जाती है। नेक्स्ट है TVS की जुपिटर। TVS जुपिटर के दो स्कूटर आते हैं। एक तो हाल ही में लॉन्च किया गया है 125 सीरीज में, एक 110 सीसी वाला पहले से आता था। तो TVS जुपिटर के 44,139 यूनिट्स बिके हैं। वहीं अक्टूबर में ये 72,161 यूनिट्स बेचने के साथ ही 7th पोजीशन पर ही था। TVS जुपिटर 110 की एक्चुअल प्राइस 66,273 रुपये से शुरू होती है और 76,573 रुपये तक जाती है। और 125 सीसी वाला जो वेरिएंट है उसकी एक्चुअल प्राइस 73,410 रुपये से शुरू होकर के 81,300 रुपये तक जाती है। 6th पोजीशन पर है बजाज की प्लैटिना सीरीज। प्लैटिना सीरीज में प्लैटिना 100, 110 एच केयर और 110 आती हैं। यहाँ पर इसकी नवंबर में 60,646 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं अक्टूबर में प्लाटिना की इन तीनों बाइक्स की कंबाइंड यूनिट 84,109 बिकी थी। कितना तगड़ा डिफरेंस आ गया है अक्टूबर से नवंबर के बीच। एक्चुअल प्राइजेस तीनों ही बाइक्स की अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है बजाज की पल्सर सीरीज 5th पोजीशन पर। बजाज पल्सर सीरीज में आने वाली बाइक्स की कंबाइंड यूनिट नवंबर में 61,913 बिकी हैं पूरे भारत के अंदर। वहीं अक्टूबर में यह आंकड़ा 86,500 था, यानी 86,500 यूनिट्स बिकी थी पल्सर सीरीज की। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं काफी बड़ा डिफरेंस आ चुका है अक्टूबर से नवंबर के बीच। पल्सर सीरीज में जो जो बाइक्स आती हैं उन सभी की एक्शोरूम प्राइजेस अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है HF डीलक्स। 4th पोजीशन पर आई है हीरो की तरफ से एक एंट्री लेवल की गाड़ी है, जिसके 76,149 यूनिट्स बिके हैं नवंबर के महीने में। वहीं लास्ट मंथ अक्टूबर में इसके 1,64,311 यूनिट्स बिके थे। कहां 1,64,000 और कहां सीधे 76,000 पर आ गई है। और हाँ, ये 3rd पोजीशन पर थी अक्टूबर में, वहीं खिसक करके ये 4th पोजीशन पर आ गई है और इसकी एक्चुअल प्राइस 50,900 रुपये से शुरू होती है। नेक्स्ट है 3rd पोजीशन पर होंडा की शाइन और SP125 कंबाइंड यूनिट 83,622 बिके हैं। लास्ट मंथ ये 4th पोजीशन पर थे 1,13,554 यूनिट्स के साथ। पोजीशन तो इंक्रीज हुई है लेकिन यूनिट्स कम बिकी हैं नवंबर के महीने में। वहीं अक्टूबर में इसकी 1,13,554 यूनिट्स बिकी थी। बात कर लें इनकी एक्चुअल प्राइजेस की, तो शाइन की एक्चुअल प्राइस 73,352 रुपये से शुरू होती है और 78,147 रुपये तक जाती है। वहीं SP125 की एक्चुअल प्राइस 78,947 रुपये से शुरू होती है और 83,242 रुपये तक जाती है। सेकेंड पोजिशन पर है होंडा की एक्टिवा। होंडा एक्टिवा 6G और एक्टिवा 125 की कंबाइंड यूनिट नवंबर में 1,24,082 बिकी हैं। वहीं अक्टूबर में 1,96,699 बिकी थी। यहां पर भी काफी अच्छा डिफरेंस देखने को मिल रहा है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। बात करें इनकी एक्चुअल प्राइजेस की, तो एक्टिवा 110 यानी 6G वाले वेरियंट की एक्चुअल प्राइस 71,145 रुपये से शुरू होती है
और एक्टिवा 125 की 73,203 रुपए से, और ये 125 सीसी वाले वेरिएंट है। अभी हाल ही में इसमें एक प्रीमियम एडिशन लॉन्च किया गया है 78,725 रुपए की एक्सशोरूम प्राइस पर, जहां पर इसमें कुछ नए ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और नंबर वन पोजीशन पर हर बार की तरह इस बार भी हीरो की स्प्लेंडर सीरीज, हीरो स्प्लेंडर प्लस, सुपर स्प्लेंडर और स्प्लेंडर आई स्मार्ट की कंबाइंड यूनिट नवंबर में 1,92,490 बिकी हैं। वहीं अक्टूबर में यह आंकड़ा 2,67,821 था। यहां भी काफी तगड़ा डिफरेंस है। हीरो स्प्लेंडर प्लस की एक्शन प्राइस 63,750 रुपए से शुरू होती है, सुपर स्प्लेंडर की 72,600 रुपए से, और स्प्लेंडर आई स्मार्ट की 69,650 रुपए से एक्शन प्राइसेस शुरू होती हैं। तो ये थे टॉप 10 बेस्ट सेलिंग टू व्हीलर्स ओके बाइक 24/7 यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट लेकर के आएंगे टॉप 10 बेस्ट सेलिंग बाइक्स और टॉप 10 बेस्ट सेलिंग स्कूटर। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।